मंडल अध्यक्ष पूनम अग्रवाल के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन। जी हाँ, आपने सही सुना, क्रांति सेना महिला मोर्चे की मंडल अध्यक्ष पूनम अग्रवाल की टीम ने बढ़ती हुई महंगाई, गैस सिलेंडर और डीजल, पेट्रोल, खाने के सामान, दाल, तेल आदि के दामों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ शिव चौक पर बैठकर रोटी चूल्हे पर बनाई और अपनी अपनी बाइकों को रेडी पर रखकर एक मार्च निकाला। अगर इसी प्रकार सरकार महंगाई बढ़ाती रही तो वह दिन दूर नहीं जब क्रांति सेना को पेट्रोल पंप पर ताला लगाना पड़ेगा। मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। इसमें मुख्य रूप से पूनम अग्रवाल, प्रेम लता शर्मा, कमलेश वर्मा, रेणु ठेकेदार, सरिता, कविता, मोनी, रेणु, पिंकी, आलोक आदि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। मंडल प्रमुख क्रांति सेना की पूनम अग्रवाल, महंगाई, महंगाई ने मार दिया, सिलेंडर आसमान के दाम चूरे, अब डीजल, पेट्रोल, ये खाद्य सामग्री, इनमें इतनी महंगाई कर दी है हमारी सरकार ने कि इससे हम बहुत ही, हमारी हालत बदतर हो गई है। एक तो लॉकडाउन और ऊपर से ही वो महंगाई, बल्कि सरकार को तो और कम करना चाहिए, सरकार ने और दाम हाई फायर पहुंचा दिए। तो किस तरह का आप विरोध आज शिक्षकों पर कर रही हैं? भाई देखो, जब सिलेंडर खत्म हो जाएगा, जेब में नोट ना हो, तो फिर आदमी क्या करेगा? भूखा थोड़ी ना मरेगा, फिर तो वो चूल्हा जला के रोटी बनावेगा, अपना पेट तो भरेगा ही। पेट भरने के लिए तो हमारी जो पुरानी पद्धति थी उस उन्होंने हमें सिखा रखा कि भैया चूल्हा जलाओ, रोटी बनाओ। जब सरकार ने हमें भुक्के की आदत डाल ली कि हम भुक्के मर गए, चूल्हे पे बैठ के रोटी बना रहे और खा रहे, जब सिलेंडर के पैसे नहीं। महंगा इतना कर दिया, गरीब आदमी।